आज हमारे पास है 2016 Volvo XC90। Volvo की कार सेफ्टी के मामले में बहुत मानी जाती हैं और इनके फीचर्स भी काफी अच्छे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कार में ऐसे कैसे फीचर्स हैं जो इस कार को काफी अच्छा बनाते हैं। पर इस रिव्यू का शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस कार के प्राइस की, जो कि अगर आप Volvo XC90 नई लेने जाते हैं तो वो आपको टॉप मॉडल 1.31 करोड़ का पड़ता है, दैट टू शोरूम प्राइस। तो आपको ऑन रोड वो 1.5 करोड़ के आसपास ही पड़ जाएगी। लेकिन मोहित अनार्या कार डील्स पर आपको ये कार सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपीस में मिल रही है। 45 लाख रुपीस फॉर अ वोल्वो XC90, अ कार विच इज 1.5 करोड़ ऑन रोड, आपको 45 लाख रुपीस में मिल रही है। व्हाट अ स्टील डील। अगर हम इस कार की कंडीशन की बात करें तो सीरियसली शोरूम कंडीशन कार है ये। कार में कोई भी दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ इस कार की वर्किंग कंडीशन के अंदर है। और ऊपर से सिर्फ यही नहीं, आपको मोहित अनार्या कार डील्स पर और भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि लोन फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया, एंड ऊपर से सबसे बड़ी बात, आपको कार की सर्विस भी मिलती है। यानी कि अगर आप कार लेने के बाद कार की सर्विसिंग करवाना चाहें तो मोहित अनार्या कार डील्स आपको वो भी करवा के दे देंगे एट अ वेरी जेन्युइन प्राइस। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टील डील है गाइस। एंड इसी के साथ अब करते हैं रिव्यू शुरू। अगर हम वॉल्वो की स्टाइलिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी वॉल्वो की एसयूवीज की स्टाइलिंग काफी सिमिलर होती है। अगर हम इसमें हेडलैम्प्स की बात करें तो इनका इंट्रिकेट डिजाइन होने के साथ साथ ही वॉल्वो इसके अंदर फीचर्स भी ऐड करती है। अगर आप इन कार के डीआरएल्स को देखें तो इनका डिजाइन थॉर के हैमर से बहुत मिलता जुलता है। ये वॉल्वो ने एक ईस्टर एग दिया है फॉर ऑल द मार्वल फैन बॉयज। अगर हम इस कार के ग्रिल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक काफी बड़ी ग्रिल है जिसका डिजाइन काफी सुंदर दिखता है, एंड हमारे पास यहाँ पे एक काफी बोल्ड वॉल्वो का लोगो भी देखने को मिलता है। अब अगर हम इस कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो वो काफी बोल्ड है। हमारे पास इस कार में 19 इंचेस के 10 स्पोक अलॉय व्हील्स हैं जो कि काफी अच्छे दिखते हैं। और इस कार में जो मेरे को चीज़ बहुत अच्छी लगती है वो है क्रोम इंसर्ट्स, जो कि हर तरफ विंडोज़ के एंड डोर हैंडल्स पे भी दिए गए हैं। अब अगर हम इस कार की रियर स्टाइलिंग की बात करें तो इस कार का रियर काफ़ी एलिगेंट एंड काफ़ी क्लीन है। हमारे पास यहाँ पे आई कैचिंग टेल लैम्प्स हैं जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं। और हमारे पास यहाँ पे XC90 की बैजिंग, वॉल्वो की बैजिंग एंड D5 की बैजिंग भी है। अब फीचर्स की शुरुआत में कहना चाहूंगा इस गाड़ी की इस डिस्प्ले से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्चुअल डिस्प्ले दी गई और नीडल्स नहीं दी गई। जैसे ही मैं कार को स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होगा क्या। जैसे अभी आपने नोटिस क्या करनी है, ये चीज यहाँ पर जो आपको छोटा सा बॉक्स दे रखा है ना उस पर, अगर मैं गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट करूँ तो अब ये जो बॉक्स है उसने एक्सपैंड होकर हमें ये कार की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दी है, जो कि सबसे पहले बता रहा है कि इस कार में अभी तक सिर्फ एक पैसेंजर बैठा हुआ है जो कि इस सीट पर है, और अगर कोई और इस किसी भी सीट पर बैठेगा तो वो चीज़ सीट रेड होती रहेगी। अगर किसी को ये अपने जानना हो कि अपने कार में कितने पैसेंजर्स हैं तो वो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये ओके वाला बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर और हमें अलर्ट्स बताते रहता है वो, जैसे कि टायर नीड्स एयर नाउ। वैसे अगर मैं फिर से ओके दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं वो छोटा हो चुका है, लेकिन अभी मेरे को एक और वो बता रहा है कि रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इस कार में मेंटेनेंस की जरूरत है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोहित अनार्या कार डील्स हर एक की टेंशन खुद लेते हैं एंड वो आपको कार देने से पहले उसकी सर्विस वगैरह करवा के देंगे। सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में होगा। तो ये जो इस कार में जो बॉक्स है वो एक्चुअली हमें एक नोटिफिकेशन पैनल है। अगर कोई भी इस कार में नोटिफिकेशन होगी किसी भी तरह की तो ये बॉक्स एक्सपैंड होकर हमें उस चीज़ के बारे में बताता रहेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि एक डिस्प्ले है, इस वजह से हमें काफ़ी और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। तो हम उन फीचर्स की बात करते हैं जो कि आ जाते हैं इस बटन को दबाने से। अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर अब सबसे पहले मेरे पास आता है ट्रिप की सेटिंग्स। तो ट्रिप के अंदर तो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कि किलोमीटर और जितने भी हमारे ओडोमीटर वगैरह होते हैं, वो सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नीचे जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टूरिस्ट है MPH। तो ये जो टूरिस्ट MPH है वो करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं जहाँ पर माइल्स पर आवर में है सब कुछ और किलोमीटर्स पर आवर में नहीं है, या फिर मान लीजिए आपको ये गाड़ी कहीं इंपोर्ट करानी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कभी कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर MPH चलता है और माइल्स पर आवर नहीं चलता, तो
क्योंकि नॉर्मल कार्स में आपको दिक्कत हो सकती थी वहाँ जाकर, अगर हर चीज़ माइल्स पर आवर में होगी तो आपको हर एक चीज़ ऑन द स्पॉट कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और कई कंट्रीज़ के अंदर तो अलाउड भी नहीं होता के एम पी एच वाले मीटर्स को उन कंट्रीज़ में चलाना। तो इस कार में ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, अगर मैं यहाँ पर ओके दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़ अब एम पी एच में हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कार उसके हिसाब से एडजस्ट करती है। ये कुछ अच्छी क्वर्क्स होती हैं, कुछ अच्छे फीचर्स होते हैं डिस्प्ले होने के और एनालॉग ना होने के। जैसे अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो आप देख सकते हैं वापस किलोमीटर्स पर आवर में वो आ चुका है। तो ये था ट्रिप के बारे में जो कि काफ़ी नॉर्मल है। देन आता है हमारे पास मीडिया, जिसके अंदर AM, FM, AUX और ट्यूनिंग जैसे फीचर्स हैं। अगर मेरा फ़ोन कनेक्टेड होता तो वो फ़ोन के अंदर भी ले जाता, लेकिन अभी उसने फ़ोन स्किप कर दिया। देन आता है हमारे पास नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर हमारे पास आता है चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब चीज़ें क्या हैं जो आपके लास्ट नेविगेटेड चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं इस कार के अंदर जो नेविगेशन थी वो लास्ट चंडीगढ़ की नेविगेशन ऑन हुई थी, उससे पहले दिल्ली की हुई थी, उससे पहले सेक्टर 16 वसुंधरा की हुई थी। ये आपके एक तरह से रीसेंट नेविगेशन है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं बार बार कहीं एक ही जगह जाते हैं, या फिर आप रिसेंटली कहीं गए थे किसी को ड्रॉप ऑफ करने और वापस उनको पिकअप करने जाना है, तो आप डायरेक्टली बार बार डिस्प्ले में फिडल ऑन करने की जगह आप डायरेक्टली नेविगेशन एक बार ऑन करिए और वहाँ पर आप रीसेंट नेविगेशन को आप देख सकते हैं और वहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं। तो ये था इस डिस्प्ले के बारे में। अब चलते हैं इस डिस्प्ले के ऊपर जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है इन द इंडस्ट्री। तो अगर हम बात करें इस डिस्प्ले के बारे में, सबसे पहले जो सबसे ऑड चीज़ है इस डिस्प्ले की वो है वर्टिकल ओरिएंटेशन। और ये चीज़ ना वॉल्वो की बहुत लोग बोलते हैं कि बड़ी अजीब सी है, क्योंकि कार्स के अंदर उनको हॉरिजॉन्टल देखने की आदत होती है, यहाँ पर वर्टिकल क्यों दे रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से वर्टिकल ओरिएंटेशन की काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। रीजन बीइंग, वॉल्वो ने इस डिस्प्ले को बिल्कुल वैसा बनाने की कोशिश की है जैसे आप घर पर अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमें डिस्प्ले दी गई है जो कि वर्टिकल ओरिएंटेशन में, जैसे कि आपका स्मार्टफोन होता है। देन हमें यहाँ पर नीचे एक होम बटन दिया गया है जो जैसे कि आपका स्मार्टफोन होता है, और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि अगर आपको नोटिफिकेशन करनी है तो नोटिफिकेशन नीचे से आती है जैसे कि आपके फ़ोन में आती हैं, साइड में आपको सारी नोटिफिकेशन पैनल की तरह, जैसे अगर आपको होता है ना वाईफाई जहाँ पर ऑन करते हैं, मोबाइल डेटा जहाँ ऑन करते हैं, वैसे ही आपको हर एक चीज़ एक मेन्यू में यहाँ पर दी गई है। देन अगर हम इस साइड जाएँ वैसे ही मेन्यू में आपको कार सेटिंग सारी यहाँ पर दी गई हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी इंट्यूटिव डिस्प्ले है। रीज़न बीइंग, क्योंकि ये हर एक चीज़ इस कार के अंदर आपके स्मार्टफोन जैसी है। तो ये चीज़ मुझे इस कार में बहुत अच्छी लगती है, एंड वर्टिकल ओरिएंटेशन का मेनली मतलब यही है मेरे हिसाब से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फीचर्स की, सबसे पहले तो यहाँ पर आता है करंट पोजीशन के बारे में, जैसे कि मैप्स वगैरह। देन यहाँ पर हमारे पास आता है ये FM के रिगार्डिंग, अगर आपको गाने वगैरह चलाने हो। देन अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड होता तो यहाँ पर आप, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायल पैड के थ्रू आप किसी को कॉल भी कर सकते हैं, अपने रीसेंट कॉल्स देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स दे सकते हैं। एंड अगर आपका फ़ोन बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन भी कनेक्टेड है एंड देन आपके साथ जो पैसेंजर उसका फ़ोन भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर दबा दीजिए एंड देन आप उसका फ़ोन सिलेक्ट करके आप उसके फ़ोन के थ्रू कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इस कार के अंदर। अगर हम होम बटन दबाएं तो यहाँ पर आता है कार स्टेटस। कार स्टेटस के अंदर आपको सबसे पहले तो वन सेकेंड रेगुलर मेंटेनेंस, जो कि आपको मैंने बहुत बार बताया कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोहित नाजा कार्डिस हर एक चीज़ देखकर आपको देते हैं। देन टायर प्रेशर देखने का, जैसे कि आपको रियर टायर में जो टायर प्रेशर कम है उस चीज़ के लिए आपको वार्निंग्स दी गई है यहाँ पर। देन हमारे पास आता है कार स्टेटस। कार स्टेटस के अंदर अगर हमारी कार ऑन होती तो हमें यहाँ पर वो ऑयल लेवल बताते हैं। देन हमारा जो यहाँ पर TPMS है वहाँ पर हमें, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके अंदर हर एक टायर के प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्विस। तो अगर हम सर्विस पर आते हैं तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि नेक्स्ट सर्विस के लिए हमारे पास 64 डेज या फिर 836 किलोमीटर है, जो कि होता है कि हर एक कार को आप 15,000 किलोमीटर के बाद या फिर एक साल बाद सर्विस कराते हैं। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि 64 डेज रहते हैं या फिर 836 किलोमीटर्स, तो यहाँ इसके बाद आपको गाड़ी सर्विस करवानी होती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। देन अगर हम वापस जाएँ होम बटन दबाने का, ये देखा जैसे मैंने आपको बताया एक होम बटन, जैसे आप फोन में यूज़ करते हैं वैसे ही इसके अंदर होम बटन दबाने पे आप मेन डिस्प्ले आ पाएंगे। लेकिन इसका एक और फीचर ये है, जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं होम पे था, मैं फिर से होम बटन दबाता हूँ तो ये आपको बताता है कि डिस्प्ले यूज़ कैसे करनी है। तो वंस अगेन अगर आपको डिस्प्ले के रिगार्डिंग कोई भी अगर हेल्प वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी है। अगर हम साइड में आते हैं तो यहाँ पर FM, AM जैसी चीज़ें, जैसे ब्लूटूथ हो गया, CD हो गया, फेवरेट रेडियो हो गया, USB हो गया, iPod हो गया, Apple CarPlay भी है इस कार के अंदर, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है मैसेजिंग, जिसके अंदर आप अपने सारे मैसेजेस वगैरह चेक कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड होता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कनेक्टिंग फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप फ़ोन कनेक्ट कर देते तो ये आपके सारे आप मैसेजेस भी चेक कर सकते हैं। अगर हम साइड में जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास कार स्टेटस, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था यहाँ पे। देन ड्राइवर परफॉर्मेंस, ड्राइवर परफॉर्मेंस के अंदर आपको ये बताता है कि आपने एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपकी कितनी आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बता रहा है कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रीसेंट ट्रिप्स में आपकी बहुत कम रही है। वो रीसेंट ट्रिप्स एक्चुअली क्या हैं, जैसे मैंने अभी देखा, अभी जैसे जैसे मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट करी है तो यहाँ पर आप देख सकते
सकते गाड़ी क्योंकि चल तो रही नहीं है, लेकिन क्योंकि एसी ऑन है इसीलिए वो फ्यूल यूज़ कर रहा है, इसीलिए आप देख सकते हैं रीसेंट जितने भी स्टार्ट हुए हैं कार के उसके अंदर आपको फ्यूल इकोनॉमी बहुत कम मिली है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी इस कार की। तो अगर हम जाएँ यहाँ पर प्रोसेसेस में, प्रेफरेंसेस में, तो यहाँ पर आता है हमारे पास ग्राफ स्केल, जो कि क्योंकि इस कार में जो मैप है अगर आपको उसके हिसाब से कितना स्केल चाहिए, कितना जूम इन चाहिए, कितना जूम आउट चाहिए, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। देन आप ये भी कर सकते हैं कि रीसेट डेटा आफ्टर एवरी ट्रिप, अगर आपको कोई भी अपना डेटा इस गाड़ी में स्टोर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इसे दबा दीजिए, तो आप गाड़ी जैसे ही स्टॉप करेंगे हर एक आपका डेटा जो भी होगा मैप रिलेटेड वो सब कुछ हट जाएगा। तो वन सेकंड, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हम जाते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पर हमारे पास पहली बात तो आता है ESP स्पोर्ट मोड, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल है इस कार का। लेन डिपार्चर वार्निंग, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। मान लीजिए कि आप जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो कभी कभार होता है कि लाइंस के अगर आप गाड़ी आपके बाहर जा रहे हो तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली आपको लाइंस के बीच में ले आएगी, तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है आपके लिए भी और आपके साथ जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए भी। फिर आता है पार्क असिस्ट, क्योंकि इस कार के अंदर पार्किंग के टाइम अगर क्योंकि बड़ी गाड़ी ऑब्वियसली आपको पार्किंग टाइम में मदद चाहिए होगी, तो ये कार आपकी कैमराज के थ्रू हेल्प करती है। देन ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, जैसे आप ट्रैफिक लाइट पर रुकेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी ताकि आपका पेट्रोल वगैरह बच सके, तो ये सब चीज़ें। देन हमारे पास आता है रोड साइन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस कार के अंदर आपको HUD वगैरह मिलता है तो इसीलिए आपको इसके अंदर रोड साइन, अगर रोड पर कोई भी साइन मिलेगा आप उसको दबा दीजिए तो अगर रोड पर कोई भी साइन आएगा तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बता देगा कि इस साइन का मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है इस कार में। देन आता है एडजस्ट पैसेंजर साइड सीट, तो ये एक फीचर काफ़ी अच्छा है क्योंकि मान लीजिए अगर आपके इस सीट पर कोई बैठा नहीं हो या फिर आपने ड्राइवर रखा हो तो आप ड्राइवर को बोल दीजिए कि यार ये वाली सीट मिल लेना थोड़ी आगे कर दो, तो ड्राइवर को करना क्या होगा, डायरेक्टली इस बटन को दबाएं एंड देन वो अपनी सीट कंट्रोल्स के थ्रू जो कि नीचे दिए गए हैं, तो उन कंट्रोल्स के थ्रू वो आप देख सकते हैं कि वो साथ वाली सीट को भी कंट्रोल कर सकता है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। देन अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमारे पास इस कार में जितने भी कैमराज हैं उनको देखने के लिए है, पार्क इन पार्क आउट जैसे मैंने बताया, पार्किंग असिस्टेंट है इस कार के अंदर। देन रिड्यूस गार्ड, अब ये इसका फ़ायदा क्या है, जैसे इस कार के अंदर जो अलार्म सिस्टम है, अब मान लीजिए आप गाड़ी को, आप कहीं वेकेशन पर जा रहे हैं, गाड़ी आपके घर में ही रहने वाली है तो आपको क्या गार्ड की ज़रूरत है, तो ताकि बैटरी आपकी बची रहे तब आप रिड्यूस गार्ड कर दीजिए और गाड़ी के जो अलार्म सिस्टम्स हैं वो सिर्फ किसी किसी सिवियर इवेंट पर ही ऑन होंगे, ऐसे फालतू में ऑन नहीं होंगे। जैसे कई गाड़ियों में होता है ना कि आपने जरा भी गाड़ी को टच कर दिया है किसी भी चीज़ के लिए तो हॉर्न बज जाते हैं या बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये इस चीज़ की सेंसिटिविटी वो कम कर देता है कि जैसे आप मान लीजिए आपके घर के गराज में ही खड़ी हुई है तो आपको बैटरी बचाने के चक्कर में वो रिड्यूस गार्ड आप कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है प्राइवेट लॉकिंग, कॉर्नरिंग लाइट्स एंड देन वाइपर सर्विस पोजिशन, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है देन आपको डायरेक्टली बस ये दबाना होगा, आप देख सकते हैं कि जो वाइपर्स होंगे वो ऊपर जाकर बंद हो जाएंगे ताकि आपकी गाड़ी की सर्विसिंग अच्छे से हो सके। तो ये सब इस कार में काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। देन इस कार के अंदर एक जो सेफ्टी फीचर आता है वो ये है कि इस कार के अंदर लेन डिपार्चर वार्निंग, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मान लीजिए आप गाड़ी कहीं चला रहे हैं और आपको नींद आ रही है और आप बार बार लेन्स के बाहर जा रहे हैं ना, तो ये कार जो है ना ऑटोमेटिकली आपको बता देगी कि यार आपको नींद आ चुकी है, अब आपको ना कहीं जाकर रेस्ट ले लेना चाहिए, और आपके मैप के अंदर भी ऑटोमेटिकली वो रेस्ट होटल्स वगैरह आपको बता देगा कि रास्ते में यहाँ यहाँ होटल्स आ रहे हैं तो आप यहाँ जाकर रुक जाइए। क्योंकि ये कार एक वॉल्वो है, वॉल्वो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार मानी जाती हैं और ये सेफ्टी को वॉल्वो वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेते हैं, तो ये फीचर्स इस कार में भरे हुए हैं और आपकी वॉल्वो हमेशा सेफ होगी और अच्छी रहेगी। देन नेक्स्ट ऑफ, एक जो फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है इस डिस्प्ले में वो एक और ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी, क्योंकि आप इसको टच कर रहे हैं बहुत सारे आपका फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, तो वो फिंगरप्रिंट्स हटाएंगे कैसे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कपड़ा मारेंगे तो ऑब्वियसली डिस्प्ले इधर उधर होती रहेगी, आपकी सेटिंग्स भी चेंज हो सकते हैं, इसीलिए आप डायरेक्टली बस इस बटन को 2 सेकंड के लिए दबाएं। देन आप देख सकते हैं हर एक चीज़ डिम हो चुकी है और आप कुछ भी कर लीजिए, देन आप यहाँ पर कपड़ा वगैरह मार सकते हैं एंड जैसे ही आप होम बटन दबाएंगे तो वो स्क्रीन वापस जाकर ऑन हो जाएगी, तो ये भी चीज़ इस कार में बहुत अच्छी है। देन हमारे पास आते हैं यहाँ पर AC कंट्रोल्स, जो कि हमें इन स्क्रीन के अंदर ही दिए रखे हैं, तो अगर आपको यहाँ पर AC का टेम्परेचर सेट करना है इस डिस्प्ले के लिए तो आप यहाँ पर पैसेंजर साइड सीट के लिए कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ ड्राइवर साइड सीट के लिए करना है तो यहाँ ड्राइवर साइड सीट के लिए आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। देन अगर आपको सिंक्रोनाइज करना है तो डायरेक्टली आप ये दबा दीजिए और जो भी ड्राइवर ने टेम्परेचर सेट करवाएगा उसके हिसाब से वो टेम्परेचर सिंक्रोनाइज हो जाएगा, क्योंकि इस कार के अंदर फ्रोजन क्लाइमेट कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ पर एंड 2 पीछे के लिए, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। देन हम इसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं आपको हवा चाहिए कहाँ पर, अगर आपको पैरों पे भी चाहिए ये दबा दीजिए, अगर आपको सिर्फ ऊपर चाहिए तो ये दबा दीजिए, अगर आपको थोड़ा और यहाँ पर इस साइड से भी हवा चाहिए तो आप इसको भी दबा सकते हैं, आपका कार
अच्छे से एसी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं आप। अब जो अगला फीचर है इस कार में वो है ड्राइव मोड्स का। तो अगर आप यहाँ पर ड्राइव मोड्स का बटन, जैसे सबसे पहले तो इस बटन की जो क्वालिटी है ना वो कितनी अच्छी है, लाइक हर एक चीज़ एल्यूमिनियम फिनिश्ड है, कितनी ज़्यादा सही सी चीज़ लगती है ये। एनीवेज अगर हम इसको दबाएं तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर आपको ये सारे कम्फर्ट मोड्स दे देगा, ड्राइव मोड्स दे देगा, यानी कि तो यहाँ पर आप है इको, कम्फर्ट, ऑफ रोड एंड पोल स्टार इंजीनियर। दिस इज़ लाइक द स्पोर्ट्स मोड ऑफ दिस कार, जिसको वॉल्वो पोल स्टार इंजीनियर बोलती है, जिसको आप अगर आप यहाँ पर प्रेस भी करते हैं ना, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ वापस, तो यहाँ पोल स्टार इंजन में ना कार की इंजन की आवाज़ भी बदल जाती है, लाइक जैसे हाई रेव्स हो जाती हैं इस कार के अंदर। तो ये चीज़ मतलब एक तरह से स्पोर्ट्स मोड है कार का और काफ़ी सही चीज़ है। देन अगर आप इसको चेंज करना चाहें ऑफ रोड, कम्फर्ट और इको में अंदर भी, तो वो आप बहुत आराम से इस कार के अंदर कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत इस कार में ग्लव बॉक्स से करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई भी बटन वगैरह नहीं है ग्लव बॉक्स को ओपन करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास साइड में दिया गया है वो बटन ग्लव बॉक्स को ओपन करने के लिए। अब जैसे कि हम ग्लव बॉक्स को ओपन कर लिया है, ये काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ओनर्स मैनुअल रखने की जगह भी है, ये लाइटेड भी है और कूल्ड भी है। मूविंग ऑन टू द सेंटर कंसोल, गियर सिलेक्टर के बिल्कुल साथ में ही हमारे पास दो स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से एक एक स्टोरेज का भी है और दूसरा स्टोरेज का भी एंड कप होल्डर्स का भी काम करता है। अब हम बात करते हैं सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट की, जो कि एक सेंटर कंसोल स्टोरेज भी है। अगर हम इसको खोलें, हमारे पास एक काफ़ी डीप स्टोरेज का भी है यहाँ पे, और हमारे पास इस कार में एक सीडी चेंजर भी है। अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात रियर सीट्स में करें, तो यहाँ पे हमारे पास सीट नेट्स हैं पैसेंजर और ड्राइवर साइड सीट के लिए। और अगर हम इसके रियर आर्मरेस्ट को खोलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिलते हैं रियर सीट पैसेंजर्स के लिए, जो कि रिट्रैक्टेबल है। इस कार की थर्ड रो सीट्स में हमारे पास एक स्टोरेज का भी है एंड एक कप होल्डर भी है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है इस कार का ट्रंक। पहले हम बात करेंगे इस ट्रंक को खोलने की। हमारे पास खोलने के फोर वेज हैं। पहला की फॉब पे, दूसरा ड्राइवर साइड के डैशबोर्ड एरिया पे, थर्ड रिक्वेस्ट सेंसर जो कि ट्रंक के नीचे दिया गया हुआ है, एंड फोर्थ लेग वेव फीचर। अब अगर हम एक्चुअल ट्रंक स्पेस की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास एक काफ़ी बड़ी ट्रंक है। जैसे कि एक 7 सीटर कार है, हम इसकी थर्ड रो सीट्स भी डाउन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको और भी ज़्यादा स्पेसिंग मिल जाती है, तो वो एक काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी में कंफर्ट की, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक अल्ट्रा लग्जरी एसयूवी है। तो सीट मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे लेदर सीट्स मिलती हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत प्लश हैं, तो आपको एक लग्जरियस एक्सपीरियंस मिलता है। ऑब्वियसली फ्रंट सीट है, तो मैं सीट को बैक एंड फोर्थ भी मूव कर सकता हूँ, दैट टू विद इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स। देन इस कार के अंदर हमें लंबा सपोर्ट और ऊपर से अंडर थाई सपोर्ट भी कंट्रोल करने को मिलता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी लग्जरियस एक्सपीरियंस है। तो अब चलते हैं रियर सीट्स में और देखते हैं वो क्या कहती है। एंड अब आते हैं इस कार की सेकेंड रो सीटिंग एरिया में। आपने जस्ट देखा मैं फ्रंट सीट में बैठा ही हुआ था, एंड आई एम प्रिटी टॉल, 6'1", फिर भी जब मैं पीछे आता हूँ देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 2 या 2.5 इंचेस का लेग रूम अवेलेबल है। हेडरूम तो बहुत ही ज़्यादा है, लाइक 4 या 5 इंचेस का हेडरूम है मेरे पास। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इस कार में, काफ़ी स्पेशियस कार है। बाकी अगर मैं सीट मटेरियल की बात करूँ, तो ऑब्वियसली सेम एज द फ्रंट वंस, लेदर सीट काफ़ी सॉफ्ट हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इस कार में जो रियर सीट्स हैं ना, वो भी काफ़ी थोड़ी यू नो अपराइट है, जो कि अटेंटिव बैठने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए हो, तो इस कार में वो एब्सेंट है नहीं। लेकिन आप इस कार की सीट को आगे करके इसको पीछे भी कर सकते हैं, तो यानी कि आपके पास मैनुअल रिक्लाइनिंग सीट्स हैं इस कार में। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, यू नो एक अल्ट्रा लग्जरी कार का एक यही बेनिफिट होता है, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मिलती है इस कार में। एंड उसी रीज़न में ये कार भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर हम मिडिल सीट में यहाँ पर चलें, तो यहाँ मिडिल सीट में आप देख सकते हैं ये एक सीट भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस कार में ये है कि हाँ ट्रांसमिशन टनल भी इसकी बहुत छोटी है, तो आपको ये भी नहीं है कि आपको पैर रखने में कोई दिक्कत आने वाली है, पैर भी बहुत आराम से रख सकते हैं। लेकिन हाँ ये वाली जो सीट है ना, इसका बैकरेस्ट थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अनकंफर्टेबल मैं फिर भी इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक 7 सीटर एसयूवी है। तो ऑब्वियसली हम इसकी थर्ड रो सीटिंग एरिया में भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस थर्ड रो सीटिंग एरिया को एक्सेस कैसे करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस लेवर के थ्रू हम सीट को आगे कर सकते हैं, देन डायरेक्टली पुश करके हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह हो जाती है इस कार के अंदर बैठने की। एंड अब मैं रियर सीट में आ चुका हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास अभी तो बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे करता हूँ, तो क्या मेरे पास लेग स्पेस तब भी है? तो अगर मैं इसको पीछे करूँ, तो आप देख सकते हैं लेग स्पेस एडल्ट के लिए तो नहीं है, मतलब मेरे फीट जस्ट टच हो रहे हैं इसके साथ। तो ऑब्वियसली एडल्ट्स तो मेरे हिसाब से इस रियर सीट में कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, लेकिन किड्स के लिए बहुत आसानी से वो बैठ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बार बार बताया कि मैं 6'1" हूँ,
तो 6'1" के लिए तो ऑब्वियसली मेरे पास जस्ट टच ही हो रहे हैं नीज़, तो अगर मेरे से छोटा कोई होगा लाइक 5'9" 5'7" भी बहुत आराम से इसके अंदर कार में बैठ सकते हैं। तो ये था मोहित अनाजा कार डील्स की तरफ से एक रिव्यू वोल्वो XC90 का, एन अमेजिंग कार, अ फैमिली कार दैट इज अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 45 लाख रुपीज़। आई सीरियसली कांट बिलीव इट। तो ये था हमारा रिव्यू, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो आपको ये कार लेने में या कोई भी और लग्जरी कार लेने में इंटरेस्ट हो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड अ सब्सक्राइब वुड ऑल्सो बी अप्रिशिएटेड। थैंक यू।